नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अपनी बायोलॉजी की 12th क्लास की वीडियो में मिल रहे हैं। जो मैं आज आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, आज आपको बोर्ड पे वो दिख ही रहा है, पाचन तंत्र के बारे में बताने वाला हूं। लास्ट हमारी जब क्लास लगी थी ऑफलाइन, तब मैंने आपको बोला था कि पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा अध्याय संख्या 22 है और जो कि हमारे कोर्स में अभी तक है। अच्छा, तो पाचन तंत्र का आपको डायग्राम नज़र आ रहा है और ये जो चित्र मैंने बनाया है, ये जो टॉपिक है, ये 10th क्लास के लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना कि आपके लिए है। पाचन तंत्र नमस्कार विद्यार्थियों, पाचन तंत्र कोई ऐसा चित्र नहीं है जो आपने पहले कभी बनाया ना हो। ये आप बहुत छोटी कक्षाओं से इसको बनाते हुए आ रहे हैं और अध्याय संख्या 22 पर, अध्याय संख्या 22 जो है वो हमको अच्छे नंबर दिलवाने वाला है, क्योंकि अध्याय संख्या जो 22 है ये हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा डिटेल से इस बार हमको और पढ़ना है। तो देखिए, मैंने आपको पाचन तंत्र का एक डायग्राम बना दिया है, आप इसके डायग्राम को अपनी कॉपी में बनाएंगे और जो थोड़ा सा पार्ट अपना पहले वाला रह रहा था उसे हम जरूर पूरा करेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये हमारे पास क्या है, लार ग्रंथियां हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, लार ग्रंथियां हैं। और लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी लार ग्रंथियां होती हैं हमारे पास, लार ग्रंथियां होती हैं, एक तो होती है अधोजंभ यानी जबड़े के नीचे, अधो यानी नीचे, जंभ यानी जबड़ा, अधोजंभ, अधोजिव्या, और तीसरा आता है हमारे पास अधोजंभ और कर्णपूर्व। ये हमारे पास 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। मैं इसके बारे में और डिटेल से आपको बताने वाला हूँ, पहले थोड़ा सा इस डायग्राम के नामकरण को अपन आसानी से समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले मुख है, ठीक है, और मुख में होते हैं 32 दांत। 32 दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इन 4 प्रकार के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये लार ग्रंथियां पाई जाती है, इस एपिग्लॉटिस पाया जाता है, एपिग्लॉटिस पाया जाता है, घाटी ढक्कन इसको बोलते हैं। ये हमारी ग्रसिका है, आहार नाल बोलते हैं इसको, आहार नाल बोलते हैं। ये जो आपको बड़ा सा नजर आ रहा है, ये क्या है, यकृत है। और जो यकृत होता है, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है और इसको ग्रंथि के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। यकृत अपना साइज कई बार बढ़ा भी लेता है। यकृत जो होता है वो इस प्रकार की खुली हुई संरचना होती है, यानी इसमें गैप होता है अंदर की, और इसमें पित्त ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, पित्त ग्रंथि इसमें पाई जाती है, या पित्ताशय बोल सकते हैं इसको, पित्ताशय इसमें पाया जाता है। और इसके जस्ट नीचे पाया जाता है आमाशय। क्या पाया जाता है, आमाशय इसके जस्ट नीचे पाया जाता है। और आमाशय जो होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा होता है, क्रमागुंचन गति होती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। आमाशय भी 3 प्रकार में डिवाइड होते हैं। आमाशय भी कितने प्रकार के में भागों में बटे होते हैं, 3 भागों में बटे होते हैं। कौन कौन से, पहला तो होता है इसमें जठर आगम यानी जहां से भोजन आएगा इसके अंदर। फिर होता है जठर निर्गम यानी जहां से भोजन निकलेगा। और इन दोनों के बीच वाले भाग को बोलते हैं फंडिस। तो ये 3 प्रकार में इसको भी विभाजित किया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, और आगे अपन बात करने वाले हैं। देखिए, जठर आगम, जठर निर्गम और फंडिस वाला भाग हो गया। फंडिस वाला जो भाग होता है इस प्रकार से 3 भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद ये जो होती है, ये होती है अग्नाशय। ये क्या होता है, अग्नाशय होता है। अग्नाशय जो होता है इसमें लैंगरहंस द्वीप कोशिकाएं पाई जाती है। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इनसे इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित होता है और ग्लूकेगॉन हार्मोन भी स्त्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो हमारे शरीर में शर्करा का पाचन करता है। आप मीठे का पाचन ना लिखे, शर्करा का पाचन लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास जो है छोटी आंत, और इसके बाद करते हैं बड़ी आंत की बात करेंगे। छोटी आंत भी 3 भागों में विभाजित होती है, ठीक है, और बड़ी आंत भी 3 भागों में विभाजित होती है। छोटी आंत के जो 3 भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, छोटी आंत के जो 3 भाग होते हैं वो होते हैं, इसमें छोटी आंत के जो 3 भाग हैं वो कौन कौन से हैं, इलियम पहला नंबर पे आता है, इलियम, और दूसरा आता है डेडुनम, और तीसरा आता है जेजुनम। देखो, इलियम पहला नंबर, दूसरा डेडुनम, और तीसरे नंबर पर आता है जेजुनम। ये इसके 3 पार्ट होते हैं, जेजुनम। ठीक है,
आप इनको याद रखेंगे, मैं इनके बारे में और डिटेल से आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद आती है बड़ियांत्र। बड़ियांत्र के भी तीन भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? अंधनाल, ठीक है, बृहदांत्र, बृहदांत्र, और तीसरे नंबर पर आप जानते हैं मलाशय। तो इन सबके बारे में भी डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। ये होता है गुदाद्वार, और यहाँ पे मलाशय पाया जाता है, मलाशय, और ये पाया जाता है अपेंडिक्स यानी परिशेषिका। क्या पाया जाता है? परिशेषिका पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। आज आपको क्या करना है, ये डायग्राम को बनाना है अच्छे से, और उसके बाद में आपको इसकी पीडीएफ नोट्स भी भेज दूंगा ताकि आप उसको अपनी कॉपी में लिख पाएं। फिलहाल आप डायग्राम को बनाएं और पहले बात को सुनते रहें, जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको समझते रहें, लिखने का काम तो होता रहेगा, ठीक है। और जो मैंने आपको इधर बोला है उसको थोड़ा सा लिख लें, इनको ना लिखें, आप बस इस चित्र को बना लें और इस चित्र के बारे में लिखें, और थोड़ी सी अपनी बुक में से पढ़ने का प्रयास करें। देखो, आप इस प्रकार से वीडियो से जुड़े रहे, और मैं आपको पीडीएफ जो नोट्स हैं वो भी भेज दूंगा ताकि आप इस पूरे यानी अपने नोट्स को कंप्लीट कर पाए, और इसी प्रकार से वीडियो से जुड़े रहें और अपने खाली समय का लाभ उठाएं। धन्यवाद।